आगे रुक करेंगे। बड़ी खबर क्यों रांची से, एक बड़ी जानकारी। सीबीआई ने सीएम सोरेन को जारी किया समन। बड़ी जानकारी है, तारा सहदेव और रंजीत कोहली केस में सीएम गवाह है। धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न मामले में गवाह हैं सीएम सोरेन। आरोपी रंजीत कोहली ने अपने बचाव में गवाह बनाया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दिए गए दो गवाहों के नाम, रंजीत कोहली के गवाह की सूची को कोर्ट ने स्वीकार किया। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीबीआई की विशेष अदालत ने समन भेजा है। सीबीआई ने उन्हें पूर्व राष्ट्रीय शूटर तारा सहदेव और रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के मामले में समन किया है। ये मामला धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, देखिए हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है सीबीआई के तरफ से, क्या कुछ विशेष जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए, ये जुलाई 2014 में नेशनल शूटर तारा सहदेव की शादी रंजीत कोहली और रकीबुल से हुआ था, और उसके बाद कुछ दिन बाद ही तारा सहदेव ने आरोप लगाया था कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न यौन प्रताड़ना जैसे मामले दर्ज कराए थे और इस मामले में सुनवाई हो रही थी, और 2015 के आसपास इस केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था और इस पूरे मामले में सुनवाई कोर्ट में चल रही है। और रंजीत कोहली ने इसमें जो दो गवाहों की सूची दी है, उसमें से एक गवाह का नाम उन्होंने कोर्ट को हेमंत सोरेन, जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, उनका दिया है और जिक्र किया है कि जब हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष थे तब शायद उनकी मुलाकात हुई थी। उस वाकया का जिक्र करते हुए बतौर गवाह हेमंत सोरेन का नाम उन्होंने कोर्ट को दिया है, और उसी मामले में गवाह के तौर पर कोर्ट की तरफ से, चूंकि रकीबुल और रंजीत कोहली ने इस मामले में गवाह बताया है, तो इसीलिए एक सम्मन जो है कोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को भेजा गया है। ये पूरा मामला 2014 का है, पूरे मामले में ठीक है। आप नजर बनाए रखिए इस पूरे खबर पर। चंदन फिलहाल के बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।